जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ एक बार फिर से आपके साथ हूँ एनवायरनमेंट के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, यह हमारी एनवायरनमेंट की टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की छठी वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो आ चुकी हैं, यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और यहाँ पर कवर किए गए प्रत्येक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें और ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, ताकि यहां पर अपलोड की गई प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को कल पूछे गए प्रश्न के साथ। और कल हमने आपसे पूछा था कि चेचक होने का कारण क्या है, चेचक होने का प्रमुख कारण क्या है। तो कल की वीडियो में जो आंसर दिए हैं, बहुत कम लोगों ने इसका आंसर दिया है, तो इसके हम आंसर की बात करते हैं। तो चेचक होने का जो प्रमुख कारण, सबसे पहले तो चेचक क्या है, चेचक दो प्रकार का होता है मुख्यतः, जिसे हम स्मॉल पॉक्स एवं चिकन पॉक्स के नाम से जानते हैं। जो स्मॉल पॉक्स होता है ये भी चेचक होता है, और सामान्यतः जो चेचक होता है इसे स्मॉल पॉक्स ही समझा जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार का होता है, एक स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, छोटी माता और बड़ी माता। ठीक है, तो जो स्मॉल पॉक्स होता है ये जो होता है ये बेरियोला वायरस की वजह से होता है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स बेरियोला वायरस की वजह से, और जो चिकन पॉक्स होता है यह बेरिसेला जोस्टस वायरस की वजह से होता है। तो पूछा जाए स्मॉल पॉक्स का वायरस कौन सा है, तो ये बेरियोला है, और चिकन पॉक्स का वायरस कौन सा है, तो यह वेरिसेला हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं हम आज के पहले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो भारत में जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, यह किया गया था सन 1972 में, 1972 में भारत में वन्यजीव संरक्षण लागू किया गया। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, अवैध शिकार को रोकना, जो जानवरों का अवैध शिकार किया जाता है उनके मांस हाड़ खाल के व्यापार पर रोक लगाई इस अधिनियम के जरिए, और इसे फिर संशोधित भी किया गया था। ठीक है, 2002 में इसे संशोधित किया गया, और फिर जो अभी वर्तमान में लागू है उसका नाम है भारतीय वन्यजीव संरक्षण संशोधित अधिनियम 2002। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पूछा जाए कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो 1972 में ये लागू किया गया, और यदि संशोधित शब्द आ जाए तो फिर वहां पर आपको 2002 मार्क करके आना है एग्जाम में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है, तो जो मीठे पानी की कल्पसर परियोजना है यह दोस्तों स्थित है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में जो खंभात की खाड़ी है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, खंभात की खाड़ी, जहां पर नर्मदा नदी का जो है, नर्मदा नदी समुद्र से मिलती है। ठीक है, जहां पर नर्मदा नदी का अंत होता है वहां पर खंभात की खाड़ी है, और वहीं पर अवस्थित है कल्पसर परियोजना। 2012 से इसका काम स्टार्ट किया गया था, और अभी यह वर्तमान में इसका कार्य जो है यह कार्यरत है, इस परियोजना पर कार्य जारी है, और बहुत जल्द यह परियोजना कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है, अवस्थित ही यह बंगाल खंभात की खाड़ी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो जल का शुद्धिकरण, जल का मृदीकरण, बाष्पीकरण, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जल की कठोरता को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं जल का मृदीकरण, ऑप्शन वी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जल की कठोरता क्या है, तो आपने देखा होगा कहीं कहीं का जल होता है वो मीठा होता है, और कहीं कहीं का जल खारा होता है, उसमें लवणीय मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के वाई कार्बोनेट घुले होते हैं, जिसकी वजह से जल कठोर होता है या फिर जल अधिक लवणीय होता है। ठीक है, तो जहां का जल कठोर नहीं होता है, जल मीठा होता है, उसमें साबुन का जो झाग होता है बहुत ही आसानी से बनता है और बहुत अधिक मात्रा में बनता है। जो जल कठोर होता है उसमें साबुन का झाग आसानी से नहीं बनता है या फिर बनता ही नहीं है। ठीक है, तो ये जल की कठोरता को पहचानने का आसान सा उदाहरण हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है, संसार के स्वच्छ जल का कितने प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है। संसार के स्वच्छ जल का कितने प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में या फिर धरती पर बर्फ के रूप में उपलब्ध है। तो संसार में जो जल उपलब्ध है
उसका मात्र 30% जल ऐसा है जिसका उपयोग हम अपने उपयोग के लिए कर सकते हैं या फिर इसे हम पी सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो 70% जल है यह समुद्रों में जमा है और यह खारा होने की वजह से यह उपयोग करने लायक नहीं है। और यह जो बचा हुआ 30% जल है इसका भी 70%, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये जो 30% बचा हुआ जल है इसका भी 70% पृथ्वी के ध्रुवों पर, जो उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, ध्रुवों पर, और जो क्षेत्र है जहां पर बर्फ जमी हुई, ये बर्फ के रूप में उपलब्ध है पृथ्वी पर, ठीक है। इसके अलावा जो इस 30 में से भी बचा हुआ 30% है ये हमारे उपयोग के लिए भी उपलब्ध है, इसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अम्ल वर्षा होने का कारण क्या है? अम्ल वर्षा होने का कारण क्या है, तो ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी कवर हो चुका है, लेकिन यहां पर एक बार फिर से इसे हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर खारा समुद्र का जल। तो अम्ल वर्षा होने का जो क्या कारण है वो है आपका ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड। जो वर्षा होती है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और वो जो जल होता है वो सामान्य जल से अधिक, यहां पर उसका पीएच मान कम होता है तो सामान्य जल से ज़्यादा अम्लीय होता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है यह उद्योग धंधों की जो फैक्ट्रियां हैं उनसे जो चिमनियां हैं, चिमनियों से निकलने वाला जो अपशिष्ट धुआं होता है, ठीक है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। और जो वाहन चलते हैं, डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहन होते हैं, इन वाहनों से निकलने वाली भी जो गैस होती है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। और यह गैस आसमान में जाती है और जब यह पानी के साथ घुलकर नीचे पृथ्वी पर दोबारा बरसात होती है, उस घुले हुए जल में सल्फर डाइऑक्साइड जब घुली होती है तो पृथ्वी पर दोबारा इसकी बरसात होती है, तो उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर। यदि आप यह पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर यदि आप सर्च करेंगे सॉफ्ट स्टडी तो वहां पर हमारा चैनल मिल जाएगा, जिस पर लगभग 700 750 सब्सक्राइबर्स हैं। उसे आप सब्सक्राइब करके इन सभी पीडीएफ को बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 से लिखा हुआ है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी पहले के हम प्रैक्टिस सेट में कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में, ठीक। असम में एक और राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो आपको याद रखना है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में या फिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान। यदि पूछा जाए एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, तो एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है असम में, ठीक है। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में ये शामिल है, तो आपको यूनेस्को के बारे में पता होना चाहिए। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनेस्को की स्थापना हुई थी नवंबर 1940 में। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, याद रखना है यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो नवंबर 1946 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी, ठीक है। वर्तमान में 193 कंट्रीज हैं जो कि अभी यूनेस्को के सदस्य हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है उद्यान। तो जो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है यह राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसे आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, आर फॉर राजीव गांधी और आर फॉर राजस्थान। तो यह कहाँ पर स्थित है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में ही स्थित है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर, फूलों की घाटी कहां स्थित है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि फूलों की घाटी कहां स्थित है। ऑप्शन है ऑप्शन ए केरल में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है या फिर उत्तराखंड में स्थित है। तो जो फूलों की घाटी स्थित है यह स्थित है उत्तराखंड में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि उत्तराखंड की बात आती है तो उत्तराखंड में एक और यहां पर आपको याद रखना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, या फिर इसे हम हैली नेशनल पार्क के नाम से भी पहले जानते थे। तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, तो ये आपको याद रखना है, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, शांत घाटी कहां स्थित है, शांत घाटी या फिर इसे हम साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं। तो ये जो साइलेंट वैली स्थित है यह केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 9th और 10th कक्षा में सामाजिक विज्ञान में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे पढ़ा है, शांत घाटी कहां स्थित है, तो यह जो है केरल राज्य में स्थित है। और बात करते हैं यहाँ से, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शांत घाटी या फिर साइलेंट वैली के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है। तो साइलेंट वैली के मध्य से गुजरने वाली नदी है कुंती पूजा, ठीक है,
कुंती पूजा नदी साइलेंट वैली के मध्य से गुजरती है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले दोस्तों 10 में से जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुए ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर यदि डिटेल के साथ क्वेश्चन की बात की जाए तो 10 से यदि आप पूरी डिटेल को देखते हैं तो 10 से बहुत अधिक क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं, लगभग 20 से क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लेते हैं, ठीक है, डेली। तो आप लोग पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जो डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है उस डिटेल को आप नोट कर सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपके एनवायरमेंट की तैयारी हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल सबसे पहले शामिल किया गया था, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया था, तो ये तो हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमानी में, और ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, कान्हा किसली को, ठीक है। ये जो अभ्यारण्य है ये इसे सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, और यहाँ पर आज का जो हमारा क्वेश्चन है, आज आपको बताना है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, बाघ है, नीलगाय है, बारहसिंगा, याद रखना है मध्य प्रदेश के राजकीय पशु की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो बाघ, नीलगाय, बारहसिंगा या फिर ऑप्शन डी है, हिरण है, ठीक है। तो इसमें से जो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, 10 में से आपके कितने आंसर सही हुए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तरमाला भी दी गई है, जब ये आप PDF डाउनलोड करेंगे तो उत्तरमाला आपके काम में आ जाएगी। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।